मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह कहावत तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी। इस कहावत के पीछे कहानी क्या है, चलिए आज आप लोगों को बताते हैं। एक दिन संत रविदास जी अपनी झोपड़ी में बैठे प्रभु का स्मरण कर रहे थे और जूते बना रहे थे। तभी एक रागीर ब्राह्मण उनके पास अपना जूता ठीक कराने आया। रविदास जी ने जूता बनाते बनाते उस रागीर ब्राह्मण से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण बोला, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। जूता ठीक कराने के बाद ब्राह्मण द्वारा दी गई मुद्रा को रैदास जी ने कहा कि आप यह मुद्रा मेरी तरफ से माँ गंगा को चढ़ा देना। ब्राह्मण जब गंगा पहुँचा और गंगा स्नान करने के बाद जैसे ही ब्राह्मण ने कहा, हे गंगे, रविदास की मुद्रा स्वीकार करो, तभी गंगा से एक हाथ बाहर आया और उस मुद्रा को लेकर अंदर चला गया। और जब ब्राह्मण उस गंगा से निकलने के लिए कोशिश की, तभी फिर गंगा से आवाज़ आया और एक हाथ बाहर आया और उस हाथ से एक सोने का कंगन बाहर आया और माँ गंगा ने कहा, यह कंगन रविदास को दे देना। ब्राह्मण जब गंगा का दिया हुआ कंगन लेकर वापस लौट रहा था, तब उसके मन में विचार आया कि रैदास को कैसे पता चलेगा कि गंगा ने बदले में कंगन दिया है। मैं इस कंगन को राजा को दे देता हूँ, जिसके बदले वो मुझे ढेर सारा उपहार दे देंगे। उसने राजा को कंगन दिया, बदले में उपहार लेकर घर चला गया। तब राजा ने वो कंगन रानी को दिया तो रानी खुश हो गई और बोली, मुझे ऐसा ही एक और कंगन दूसरे हाथ के लिए चाहिए। राजा ने ब्राह्मण को कहा, वैसा ही कंगन एक और चाहिए, अन्यथा राजा के दंड का पात्र बनना पड़ेगा। तब वह ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया और कि दूसरा कंगन कहाँ से लाऊं। डरा हुआ ब्राह्मण संत रविदास जी के पास जाता है और सारी बात बताई। रविदास जी बोले कि तुमने मुझे बिना बताए राजा को कंगन भेंट कर दिया, इससे परेशान न हो। तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मैं माँ गंगा से दूसरे कंगन के लिए प्रार्थना करता हूँ। ऐसा कहते ही रैदास जी ने अपनी वह कठौती उठाई जिसमें वो चमड़ा गलाते थे, उसमें पानी भरा था। रैदास जी ने माँ गंगा का आवाहन कर अपनी कठौती से जल छिड़का। जल छिड़कते ही कठौती में एक वैसा ही कंगन प्रकट हो गया। रैदास जी ने वो कंगन ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण खुश होकर राजा के पास वह कंगन भेंट करने चला गया। तभी से यह कहावत प्रचलित हुई और प्रसिद्ध हुई, मन चंगा तो कठौती। संत रविदास जी का जन्म भारत के यूपी के वाराणसी शहर में माता कालसा देवी और बाबा संतोख दास जी के घर 15वीं शताब्दी में हुआ था। रविदास के पिता मल साम्राज्य के राजा नगर के सरपंच थे और खुद जूतों का व्यापार और उसकी मरम्मत का कार्य करते थे। अपने बचपन से ही रविदास बेहद बहादुर और ईश्वर के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन बाद में उन्हें उच्च जाति के द्वारा उत्पन्न भेदभाव की वजह से बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, जिसका उन्होंने सामना किया। और अपने लेखन के द्वारा रविदास ने लोगों को जीवन के इस तथ्य से अवगत कराया। उन्होंने हमेशा लोगों को सिखाया कि अपने पड़ोसियों को बिना भेदभाव के प्यार करो। पूरी दुनिया में भाईचारा और शांति की स्थापना के साथ ही उनके अनुयायियों को दी गई महान शिक्षा को याद करने के लिए संत रविदास का जन्म दिवस मनाया जाता है। अपने अध्यापन के आरंभिक दिन में काशी में रहने वाले रूढ़िवादी ब्राह्मणों के द्वारा उनकी प्रसिद्धि हमेशा रोका जाता था, क्योंकि संत रविदास अस्तप्रियता के भी गुरु थे। सामाजिक व्यवस्था को खराब न करने के लिए राजा के सामने लोगों द्वारा शिकायत की गई थी। रविदास को भगवान के बारे में बात करने से साथ ही उनका अनुसरण करने वाले लोगों को अध्यापन और सलाह देने के लिए भी प्रतिबंधित किया गया था। उनके समय में निम्न जाति के लोगों की अपेक्षा होती थी, वो समाज में उच्च जाति के लोगों की तरह दिन में कहीं भी आ जा नहीं सकते थे। उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ नहीं सकते थे, मंदिरों में नहीं जा सकते थे। इन्हें पक्के मकान के बजाय सिर्फ झोपड़ियों में रहने की आज़ादी थी और ऐसे कई प्रतिबंध थे जो बिल्कुल अनुचित थे। इस तरह की सामाजिक समस्याओं को देखकर गुरुजी ने निम्न जाति के लोगों की बुरी परिस्थिति को हमेशा के लिए दूर करने के लिए एक को आध्यात्मिक संदेश देना
शुरू कर दिया। इन्होंने लोगों को संदेश दिया कि ईश्वर ने इंसान बनाया है, ना कि इंसान ने ईश्वर बनाया है, अर्थात इस धरती पर सभी को भगवान ने बनाया है और सभी के अधिकार समान हैं। इस सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में सद्गुरु रविदास जी ने लोगों को वैश्विक भाईचारा और असहिष्णुता का ज्ञान दिया। गुरु जी के अध्यापन से प्रभावित होकर चित्तौड़ साम्राज्य के राजा और रानी उनके अनुयायी बन गए। संत रविदास कौन थे? रविदास भारत के 15वीं शताब्दी के एक महान संत, दर्शना शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। वो निर्गुण संप्रदाय अर्थात संत परंपरा में एक चमकते नेतृत्वकर्ता और प्रसिद्ध व्यक्ति थे तथा उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन को नेतृत्व देते थे। ईश्वर के प्रति अपने असीम प्यार और अपने चाहने वाले अनुयायी सामुदायिक और सामाजिक लोगों में सुधार के लिए अपने महान कवि लेखनों के जरिए संत रविदास ने विविध प्रकार की आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए हैं। वो लोगों की नज़रों में उनकी सामाजिक और आध्यात्मिक ज़रूरतों को पूरा करने वाले मसीहा के रूप में थे। आध्यात्मिक रूप से प्रसिद्ध रविदास को लोगों द्वारा पूजा जाता था। हर दिन और रात रविदास जी के जन्म दिवस के अवसर तथा किसी धार्मिक कार्यक्रम के उत्सव पर लोग उनके महान गीतों आदि को सुनते या पढ़ते हैं। पूरे विश्व में प्यार और सम्मान दिया जाता है। हालाँकि उन्हें सबसे अधिक सम्मान उत्तर प्रदेश के पंजाब और महाराष्ट्र में अपने भक्ति आंदोलन और धार्मिक गीतों के लिए मिलता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।